हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टीनेजर एंड बिगनर्स के लिए मेकअप किट। जो इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी वो होने वाला है अंडर 30 रुपीज, एंड इससे आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। तो मैं आपके साथ प्राइमर से लेकर मेकअप रिमूवर तक का जो भी प्रोडक्ट यूज होता है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है गाइज। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मे बी गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, सो एंड तक जरूर देख लेना प्लीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो पहला स्टेप होता है गाइज वो होता है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। तो उसके लिए मेरे पास है ओलिविया का क्लींजिंग मिल्क, एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है गाइज, एंड इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप किसी भी फेस वॉश का यूज कर सकते हो। तो गाइस, फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज करना। तो उसके 30 रुपीज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा मॉइस्चराइजर में। तो मेरे पास है ये दो जॉय की क्रीम है गाइस ये, एंड इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है, एंड इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो फेस मॉइस्चराइज करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं बेस मेकअप। तो उसके लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है गाइज। 30 रुपीज में आप एक फाउंडेशन भी परचेस कर सकते हो। यस गाइज, ये है ब्लू हेवन का सिग्नेचर फाउंडेशन, एंड इसका प्राइस ओनली 30 रुपीज है। कैन यू इमेजिन गाइज कि आपको 30 रुपीज में फाउंडेशन भी अब मिलने लगा है मार्केट में। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ब्लू हेवन का सिग्नेचर फाउंडेशन, एंड इसको मैंने अपने लोकल कॉस्मेटिक शॉप से परचेस किया है 30 रुपीज में। एंड इसमें बहुत अच्छी बात है गाइस कि इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है जो कि आपको महंगे से महंगे फाउंडेशन में भी नहीं मिलता है, तो काफी अच्छा है ये। 30 रुपीज में आपको फाउंडेशन के साथ एक स्पैचुला भी मिलता है जो कि बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अप्लाई करना। अगर आपको 30 रुपीज में ये नहीं मिलता है इनकेस, तो आप यूज कर सकते हो स्पिन्स का बीबी क्रीम। आप कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आप स्पिन्स का बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हो, एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है, जो कि आपको इजिली आपके लोकल कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम नहीं मिलता है तो आप ये क्रीम यूज कर सकते हो पॉन्ड्स का एंड गार्नियर का, एंड इससे भी थोड़ी बहुत कवरेज मिल जाती है अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं। तो एक और ऑप्शन है गाइज जो कि है ये व्हाइट टोन, एंड मेरे पास इसका बड़ा पैक है, एंड 30 रुपीज में आपको इसका स्मॉल पैक मिल जाएगा। तो गाइज, बेस मेकअप के बाद उसको सेट करना बहुत जरूरी है, तो 30 रुपीज में आपको आई थिंक कोई कॉम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है। बट गाइज, स्पिन्स का आपको एक टेलकम पाउडर मिल जाएगा जिसका प्राइस आई थिंक 10 to 20 रुपीज है, बट वो मुझे मिला नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है गाइज, एक है जॉनसन बेबी का पाउडर एंड इसका प्राइस है 14 रुपीज, एंड दूसरा है पॉन्ड्स का टेलकम पाउडर एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है। तो अगर आपको इनकेस अगर स्पिन्स का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। सो गाइज, ये तो हो गया बेस मेकअप। तो अब हम बात करते हैं आईज मेकअप की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईब्रो से। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों ही एडीएस का है, एंड इसका प्राइस 5 रुपीज है, एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है। सो मैं इसका एक बार आपको पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं कि 10 रुपीज प्राइस है तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, एंड ये 5 रुपीज वाला भी ठीक ठाक है पिगमेंटेशन इसकी। सो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा बजट में है ये, 5 to 10 रुपीज में आपको इजिली मिल जाएगा किसी भी लोकल कॉस्मेटिक शॉप पे। सो अब हम बात करते हैं काजल की। तो उसमें मेरे पास ये है इबोनी लंदन का काजल, एंड ऐसा ही आपको ब्लू हेवन का भी काजल मिल जाएगा, एंड ये आपको इजिली 10 to 15 रुपीज में मिल जाएगा गाइज, एंड अंडर 30 रुपीज में आई थिंक आपको और भी काजल मिल जाएगा, लाइक एक ये एडीएस का काजल है एंड इसका प्राइस 20 रुपीज है। सो गाइज, अंडर 30 रुपीज में आपको कोई भी आई शेडो नहीं मिलने वाला है। सो आप आई शेडो बेस के लिए आप लिपस्टिक यूज कर सकते हो, एंड उसके ऊपर आप कोई भी ग्लिटर अप्लाई कर लो तो इजिली आपका पार्टी मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है उससे। सो सबसे पहले मैं आपके साथ लिपस्टिक शेयर करती हूँ गाइज। अंडर 30 रुपीज आपको बहुत सारे लिपस्टिक में ऑप्शन मिल जाएगा। ये है एडीएस की लिपस्टिक, एंड इसका प्राइस 10 रुपीज है, एंड इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें देख सकते हो आप मेरे पास डिफरेंट शेड्स है, लाइक ऑरेंज, पिंक, मरून, रेड, सारे शेड्स है। इसको लिपस्टिक के साथ साथ आप एज अ आई शेडो बेस इसको यूज कर सकते हो, एंड आजकल न्यूड लिपस्टिक हर किसी को ही पसंद होता है, तो मेरे पास न्यूड लिपस्टिक में भी दो ऑप्शन है गाइज। ये है इबोनी लंदन का न्यूड लिपस्टिक, एंड ये है कोई लोकल ब्रांड है गाइज, ये भी न्यूड शेड है, एंड इसका मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ। सो देख सकते हो कितना अच्छा है ये पिगमेंटेशन इसकी, 10 to 15 रुपीज में इजिली आपको मिल जाएगा, एंड ये इबोनी लंदन का है गाइज, तो इसका भी मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा पिंक टोन में है,
एंड इसको मैंने लिया था ओनली 25 रुपीज में। एंड एक मेरे पास ये एडीएस की लिपस्टिक है गाइस, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी एंड इसका प्राइस ओनली 15 रुपीज है। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्यूटीफुली कोरल शेड है गाइस। एंड इसका मैं आपको एक बार स्वैच दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो बहुत ही पसंद है मुझे ये लिपस्टिक। इनकेस अगर आपको लिपस्टिक यूज करना नहीं अच्छा लगता है तो आप ये लिप पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो एंड इसका प्राइस 10 रुपीज है। एंड इसमें आपको ब्राउन शेड भी मिल जाएगा एंड इसको आप एज अ आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हो इसको। एंड ये लिप लाइनर को अप्लाई करने के बाद आप उसको फिल कर सकते हो, तो इसको भी एज अ लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं आई शेडो की, तो उसके लिए आप ये कलरफुल पेंसिल्स का यूज कर सकते हो। एंड इसमें मेरे पास ब्लू, ग्रीन, सिल्वर एंड ये भी ग्रीन कलर है, तो ये कुछ कलरफुल पेंसिल्स हैं मेरे पास। एंड इसको ऐसा आप लाइनर यूज कर सकते हो एंड आई शेडो के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसको मैं आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है गाइज। सो आप देख सकते हो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है एंड ये आपको इजिली 10 to 15 रुपीज में मिल जाएगा। गाइज ये सिल्वर शेड को आप अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो, एज अ हाईलाइटर यूज कर सकते हो। सो आपको यूज करना आना चाहिए गाइज मेकअप को कि आप कितने तरीके से उसको यूज कर सकते हो। एंड ये दोनों मेरे पास है मार्स के आई पेंसिल्स, सो इसका मैं आपको एक बार स्वैच दिखा देती हूँ। सो इससे आप बहुत ही अच्छा आई मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो गाइज। सो गाइज ब्लू वाले को भी एक बार स्वैच करके आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये गाइस। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब है, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये। तो गाइस ये है दो ब्लू हेवन के आई मेकअप के लिए। आप इस तरीके के ग्लिटर आईलाइनर भी यूज कर सकते हो, इसका प्राइस ओनली 20 रुपीज है। एंड मेरे पास एक रेड शेड है एंड गोल्डन शेड है गाइस। एंड इसमें इसको मैं एक बार आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है ये। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है ये। सो मैं गोल्डन वाले को भी एक बार आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये। एंड इसको आप एज अ अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, एज अ गोल्डन आई शेडो बहुत तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सो गाइज मेरे पास एक ये इस तरीके की लिपस्टिक है जिसमें थोड़ा सा शिमर पार्टिकल है गाइज, तो इसको भी आप एज अ आई शेडो यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये। सो गाइज पार्टी के लिए अगर आपको आई लुक क्रिएट करना है तो आप इस तरीके का लूज ग्लिटर यूज कर सकते हो एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है। एंड आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएगा इजिली। सो मेरे पास ये ब्लू, ग्रीन एंड गोल्डन है एंड ये थोड़ी सी लो क्वालिटी के हैं, मतलब इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। एंड इसमें हमें अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो ये है लूज पिगमेंट एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है। एंड इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएगा। ये मेरे पास व्हाइट शेड में है गाइज। सो अब हम बात करते हैं आईलाइनर की। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जो कलरफुल आई पेंसिल्स थे गाइस, उसको आप एज आईलाइनर यूज कर सकते हो। एंड एक मेरे पास ये लोकल ब्रांड है, आई थिंक इसमें ऑगी टच एंड फील का आईलाइनर है ये एंड इसका प्राइस ओनली 15 रुपीज है। एक बार मैं इसको आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ गाइस। सो आप इसका एप्लीकेटर देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रिसाइज है ये, इजिली आपका लाइनर ड्रॉ हो जाएगा। एंड अब मैं आपको इसको यहाँ पे सो गाइस देख सकते हो कितना अच्छे से ये लाइनर ड्रॉ हुआ है एंड इसमें थोड़ा सा शाइन भी है गाइस। सो आप इसको एज अ आई शेडो के लिए भी यूज कर सकते हो एंड ये ब्लू कलर में है। गाइस सेकंड है मेरे पास ये सिल्वर कलर की ग्लिटर आईलाइनर एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएगा, गोल्डन, ब्लू, जो भी आपको चाहिए। तो मैंने सिल्वर कलर को भी लिया है एंड ये मुझे ओनली 30 रुपीज में मिला है गाइस। एंड इसको मैं एक बार आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा है ये। एंड जो कलरफुल आईलाइनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, तो मैंने आपको अंडर 30 रुपीज में बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया है। सो अब हम बात करते हैं फेस को हाईलाइट करने की। तो हाईलाइटर आपको 30 रुपीज में नहीं मिलेगा, बट आप फेस को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का लूज पिगमेंट यूज कर सकते हो व्हाइट और गोल्डन शेड में। एंड एक मेरे पास ये लिपस्टिक है गाइस, इसका कलर थोड़ा सा सिल्वर है, तो इसको मैं एज अ हाईलाइटर यूज कर सकती हूँ। एंड आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरीके का है। सो आप देख सकते हो इसको एज अ हाईलाइटर यूज किया जा सकता है गाइस। सो अब हम बात करते हैं ब्लश की। तो उसके लिए आप लिपस्टिक को या फिर लिप लाइनर को एज अ ब्लश यूज कर सकते हो। सो गाइस आजकल आईलैशेज अप्लाई करना किसे नहीं अच्छा लगता है, बट आपको अंडर 30 रुपीज में भी आपको आईलैशेज इजिली मिल जाएगा। तो ये मेरे पास आईलैश का पेयर है गाइस एंड इसको मैंने 20 रुपीज में लिया है। एंड इसको स्टिक करने के लिए जो ग्लू आता है गाइस, वो भी मैंने 30 रुपीज का लिया है।
तो मैंने आपको इस रेंज में आपको कंप्लीट जो मेकअप किट होता है गाइज वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। गाइज मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना भूल गई थी, मेकअप का जो पहला स्टेप होता है गाइज मतलब फेस को प्राइम करना, तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो एंड स्मॉल पैक है पतंजलि का एलोवेरा जेल एंड इसका प्राइस ओनली 15 रुपीज है, तो इसको आप एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो गाइज। एंड दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी जो कि है लिप को मॉइस्चराइज करना, तो उसके लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है ये वैसलिन एंड इसका प्राइस आप सभी को पता है 5 रुपीज है, एंड ये है ब्लू हेवन का लिप बाम एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है, एंड ये है वीजोन का लिप गार्ड एंड इसका प्राइस ओनली 25 रुपीज है। सो गाइज मेकअप तो कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम बात करते हैं मेकअप को रिमूव कैसे किया जाए अंडर 30 रुपीज के प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला आप ये यूज कर सकते हो ओलिविया का क्लिंजिंग मिल्क एंड इससे भी काफी अच्छे तरीके से मेकअप रिमूव हो जाता है एंड इसका प्राइस ओनली 10 रुपीज है। आप ये बजाज आमंड ड्रॉप का ऑयल यूज कर सकते हो मेकअप रिमूवर के लिए एंड कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हो एज अ मेकअप रिमूवर, काफी अच्छे तरीके से आपका कितना भी वाटर प्रूफ मेकअप है इजिली रिमूव हो जाएगा। सो अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको बिंदी लगाना अच्छा लगता है तो इस तरीके के बिंदी के जो पैक आते हैं मार्केट में वो आप यूज कर सकते हो एंड ये आपको इजीली 5 से 10 रुपीज में मिल जाएगा। एंड मेरे पास ये ब्लैक बिंदी है जो कि बहुत आजकल ट्रेंड में है, अच्छा लगता है लगाना सबको। एंड ये मेरे पास कुछ कलरफुल बिंदीज है गाइज, एंड इसमें जैसे कि आपको अपने ड्रेस के मैचिंग का कोई बिंदी लगाना है तो आप इस तरीके का एक पैक रख सकते हो। एंड ये मेरे पास एक बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज की बिंदी है गाइस एंड इसको मैंने 5 रुपीज में लिया था। सो मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, रिमूव भी हो गया है। सो अब हम बात करते हैं हेयर्स की, तो उसको भी सेट करना बहुत जरूरी है, बिना हेयर को सेट किए तो मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मेरे पास ये लिवॉन का सीरम एंड इसका प्राइस ओनली 3 रुपीज है गाइस, तो आप इससे अपने हेयर को सेट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है सब पूरे मेकअप को करने के लिए वो है मिरर, तो ये है मेरे पास मिरर एंड इसको मैंने 10 रुपीज में लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।